हम अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए कभी कभी बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं और वो झूठ बोलकर हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं, किसी और को नहीं। एक बार बाजार में एक बाप बेटे जा रहे थे। बेटे ने अपने बाप से पूछा, पापा ये क्या है? बाप ने सामने देखा एक VIP होटल था। बोला, बेटा ये 5-स्टार होटल है, तो इसमें लोग क्यों जा रहे हैं? कि ये लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। बेटा बोला, पापा हम इस होटल में खाना नहीं खा सकते। बोला, नहीं बेटा हम इस होटल में खाना नहीं खा सकते क्योंकि इसमें खाना बहुत महंगा है। बोला, तो फिर ये लोग कैसे खा रहे हैं? कि इन लोगों के पास तो हराम की कमाई आती है इसीलिए खा रहे हैं। तो क्या वो बाप सही बोल रहा था कि जिन लोगों के पास हराम की कमाई आती है वो लोग 5-स्टार होटल में खाना खाते हैं? नहीं, वो खुद से झूठ बोल रहा था और साथ में अपने बेटे को भी झूठी दिलासा दे रहा था। झूठी दिलासा क्यों दे रहा था? क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में ऐसा काम नहीं किया जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा पाता। वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए अपने बेटे को झूठ बोल रहा है कि इस होटल में खाना खाने वाले लोग हराम की दौलत कमाते हैं। तो क्या आपसे मान के चलो, पहली बात तो कोई व्यक्ति हराम की कमाता नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही पैसा कमाता है और वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीता है। उसने इतना पैसा कमाया कि वो 5-स्टार होटल में खाना खा सकता है, वो एक बढ़िया गाड़ी में घूम सकता है, एक बढ़िया बंगले में रह सकता है, वो सारी सुख सुविधाएं ले सकता है जिसके लिए उसने काम किया है। अब एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में काम नहीं करता, वो सिर्फ ये चाहता है कैसे भी मेरी जिंदगी कट जाए, और फिर वो कहे दूसरों से कि दूसरों पर हराम की आ रही है, तो वो खुद से झूठ बोल रहा है क्योंकि ये उसकी नाकामयाबी है। और हमारे देश के गरीब लोग अपनी नाकामयाबी को बहाने बना बना कर ऐसे ही खुद को गुमराह करते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल पाई वरना मैं भी अमीर बन जाता, मुझे कभी मौका नहीं मिला काम करने का, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी होती है। हम इंसान हैं और इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और हमारे अंदर ही दिमाग है, और हमें इंसान का जन्म एक बार ही मिलता है, और इस जीवन में हमारी जो भी इच्छा हो उसको हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इंसान होने के बाद भी आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो क्या कभी आपको दोबारा जब जानवर का जन्म मिलेगा तब आप अपनी इच्छा पूरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो कुछ भी करना है वो इस इंसान के जीवन में ही करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। गरीबों को अपने टाइम की कदर नहीं होती है क्योंकि कीमत सबसे ज़्यादा समय की होती है, और गरीब अपने समय को बस इंतजार कर करके ही गुजारता रहता है कि आज नहीं कल काम करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। दूसरा, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने ज़्यादा पैसा कमाया है, ज़्यादा पैसा कमाने का एक प्रोसेस है, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन हर आदमी उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहता और अमीर बनना चाहता है, तो ऐसे अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो एक ही चीज़ है, जब तक दूसरे लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे तब तक आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। आपको कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होगा जिसमें दूसरे लोग आपके लिए काम करें, दूसरे लोग काम करें और पैसा आपको मिले, तब ही आप अमीर बन सकते हैं। और इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति आप नहीं बता सकते, पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बता सकते कि जो अमीर बना हो और वो अकेले अपने दम पे बन गया हो ही नहीं सकता। इस दुनिया पूरे की पूरी दुनिया एक नेटवर्क है, हर आदमी किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, और जिन लोगों का नेटवर्क बड़ा होता है उनकी इनकम उतनी ज़्यादा होती है। चाहे बिजनेस कैसा भी हो, आप मान के चलिए किराना स्टोर खोलते हैं, एक छोटी सी दुकान अपने क्षेत्र में खोलते हैं, अगर आपके क्षेत्र में आपने अपने ग्राहकों का नेटवर्क बनाया है तो फिर आपकी इनकम ज़्यादा होगी, और आप अगर अपने ग्राहकों का नेटवर्क नहीं बना पाए तो फिर आपकी इनकम नहीं होगी। ऐसे ही मान के चलो आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम ज़्यादा हो तो आपको हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी होगी,
जितने ज़्यादा लोगों को आप इंश्योरेंस बेच देंगे उतने ज़्यादा लोगों से आपको कमीशन आएगा और आपके अमीर बनने के चांस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। हम ये YouTube चलाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देखें। उससे क्या होगा कि हमारी इनकम बढ़ेगी। हमारा ये एक नेटवर्क है, हमने एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की है और हम भी एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, हम YouTube के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इस दुनिया में हर कोई नेटवर्क बनाकर ही पैसा कमा रहा है। नेटवर्क दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अब इसको ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। हमारा ये चैनल है SPL लाइव लर्निंग। हमारे चैनल से जुड़ने वाले हर व्यक्ति को पैसा मिलता है। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन हर व्यक्ति को हर महीने पैसा मिलता है। अब कहेंगे कुछ लोग कि हमें तो मिलता नहीं है, तो आपको पैसा क्या जादू से मिलेगा? आपने इस चैनल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक चैनल के पास आपकी डिटेल नहीं आएंगी। जब तक आपकी डिटेल नहीं आएंगी तो चैनल को ये नहीं पता चलेगा कि आपने इस चैनल पर कितना काम किया है, और जब तक चैनल को ये नहीं पता चलेगा कितना काम किया है तब तक चैनल आपको पैसा कैसे भेजेगा। दूसरी चीज़, जो लोग भी हमारे चैनल के साथ रजिस्ट्रेशन करके जुड़ते हैं उन सभी का अपना अपना खाता होता है। वो अपने खाते को लॉगिन करके कभी भी देख सकते हैं कि उन्होंने इस महीने में कितने रुपए की वीडियो देखी, कितने रुपए की वीडियो शेयर की, कितने लोग उनके वीडियो शेयर करने की वजह से जुड़े और उससे उनकी कितनी कमाई हुई, और उस पैसे को वो अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। अब कोई व्यक्ति इस प्रोसेस को भी पूरा ना करे और फिर वो कहेगा साहब मैंने तो आपका चैनल 2 साल से सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन मुझे किसी महीने पैसे नहीं मिले। तो चैनल को कोई अज्ञात थोड़ी आ रही है, कोई सपना थोड़ी आता है कि आपको पैसा देना है कि नहीं देना। ये तो आपको सोचना है कि आपको हर महीने पैसा लेना है या नहीं लेना। आप चैनल के साथ काम कर रहे हैं, रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो आपको हर महीना पैसा आना चाहिए। अब आप लेंगे तो आएगा, नहीं लेंगे तो नहीं आएगा। इस दुनिया में जब भी आप अपना खुद का नेटवर्क खड़ा करने की सोचेंगे, यानी लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, किसी न किसी तरीके से तो आपको लोगों से मिलना ही पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे दूसरा कोई भी तरीका हो। जैसे मान के चलो मुकेश अंबानी ने अपना जियो का नेटवर्क बनाया है, तो मुकेश अंबानी ने लोगों को जियो से जोड़ा है ना। अब उनसे हर महीने रिचार्ज का पैसा मुकेश अंबानी को जाता है, कि वो कोई 200 रुपये का रिचार्ज करता है, कोई 300 का, कोई 500 का, कोई 700 का, तो मुकेश अंबानी के पास करोड़ों रुपये पहुँच जाते हैं। तो इस दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं नेटवर्क बनाकर ही काम करता है। लेकिन जब भी आप अपना कोई नेटवर्क तैयार करेंगे तो आप करोड़पति तो है नहीं, और ना ही मैं मुकेश अंबानी हूँ कि हम अपना रिलायंस जियो खोल लेंगे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो जब हम खुद का नेटवर्क नहीं बना सकते तो किसी दूसरे नेटवर्क में जुड़ के हम काम कर सकते हैं और उसमें अपना सब नेटवर्क बना सकते हैं, यानी उसमें अपना दूसरा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। जैसे हम YouTube से जुड़े हैं और हमने YouTube से जुड़ने के बाद अपना अलग से नेटवर्क तैयार कर लिया है, तो ये पूरा नेटवर्क है YouTube का ही, लेकिन हमने जितना बड़ा नेटवर्क बनाया है उसका पैसा हमें मिलता है। तो ऐसे ही आप जब भी मार्केट में जाएंगे अपना खुद का नेटवर्क बनाने के लिए तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। उन तरह तरह के लोगों को मैंने 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। जैसे मान के चलो हमारी संस्था से बहुत से लोग ऑनलाइन काम करने के लिए हर दिन जुड़ते हैं। मैं कहता हूँ हमारी संस्था कम से कम 60,000 रुपये महीने आपको देती है अगर आप हमारी संस्था के साथ काम करते हैं। जितना मैंने बताया है उतना अगर आप काम करेंगे तो 60,000 रुपये महीने तो गारंटी से मिलेगा ही मिलेगा। अब 60,000 रुपये महीने के लिए पहली बात तो आपको अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाना, जितना भी काम करना है अपने मोबाइल से करना है, अपने घर पर रहकर अकेले आपको ही काम करना है। यहाँ पर ना कोई सामान बेचना है, ना खरीदना है, ना किसी से कुछ कहना है और ना ही किसी की कुछ सुननी है। सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके अपना काम करना है और कम से कम 2,000 रुपये रोज कमाना है, बस इतना काम है। अब लोग पूछते हैं काम क्या है? जो काम आप अभी करते हैं वही काम करना है, नया कोई काम नहीं है। आप YouTube पे वीडियो देखते हैं, आपको हमारे संस्था के साथ जुड़ने के बाद भी वीडियो ही देखनी है, फिर आपको संस्था के चैनल की देखनी है, बस। आप WhatsApp चलाते हैं, यहाँ पर भी WhatsApp ही आपको चलाना है। अभी आपको WhatsApp चलाने का पैसा नहीं मिलता है, संस्था में रजिस्ट्रेशन करने के बाद WhatsApp चलाने का पैसा भी आपको मिलेगा।
आप फेसबुक चलाते हैं, अभी आपको फेसबुक चलाने का पैसा नहीं मिलता होगा, लेकिन हमारी संस्था में रजिस्ट्रेशन करने के बाद फेसबुक चलाने का भी आपको पैसा मिलेगा। आप फेसबुक पर रोजाना आर्टिकल लिखते होंगे, पोस्ट लिखते होंगे, या व्हाट्सएप पर पोस्ट लिखते होंगे, या कोई वीडियो शेयर करते होंगे, तो ये सारी काम करने का भी आपको पैसा नहीं मिलता होगा, लेकिन हमारी संस्था के साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये सब करने का भी पैसा मिलेगा। तो हर व्यक्ति इस दुनिया में जितने भी लोगों के पास स्मार्टफोन है वो सभी लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऑनलाइन काम ना करता हो। काम तो ऑनलाइन सब करते हैं, लेकिन पैसा कुछ लोगों को ही मिलता है। कुछ लोगों को किनको? जो लेना चाहते हैं, जो नहीं लेना चाहते उनको नहीं मिलता, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल का प्रयोग सिर्फ मजा मौज मस्ती करने के लिए करते हैं। तो भैया मौज मस्ती ले लो या फिर पैसे ले लो, एक ही चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल लोगों का आता है कि सर हम आपकी संस्था के साथ जुड़ते हैं तो आप कहते हैं कि 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अपना काम तब शुरू करेंगे जब 10 लोग आपके साथ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और रही बात 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने की, तो 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने में सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। 10 मिनट का एक अच्छा सा वीडियो बनाकर आपको संस्था को भेजना है। लोग आपके वीडियो को देखेंगे और आपके साथ 10 नहीं 20 लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, यहाँ संस्था किसी से भी एक पैसा कभी लेती नहीं है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है ये संस्था भाग गई तो, चैनल बंद हो गया तो, फलाना ये वो, तो ये मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति के भागने के पीछे का कोई ना कोई रीजन होता है। हमारी ये संस्था क्यों भागेगी, इसका कोई एक कारण बता दे मुझे तो मैं आज से यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर दूं। संस्था किसी से एक पैसा लेती नहीं है, किसी से कर्ज नहीं लेती, किसी से पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करवाती है कि जो संस्था को वापस करना पड़ेगा। संस्था कभी भी किसी से ऐसी कोई चीज़ नहीं लेती जो लोगों को उसे वापस देनी हो। जब संस्था को कभी किसी को कोई चीज़ वापस देनी ही नहीं है तो फिर भागने का सवाल क्या उठता है? क्यों भागेगी भैया? कोई रीजन तो होना चाहिए, कोई एक रीजन बताओ कि ये संस्था इसीलिए भागेगी। संस्था से जुड़े लोगों को अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो संस्था 1 लाख रुपए देती है, तो इसीलिए भागेगी कि लोग मरेंगे और संस्था पैसा नहीं देगी? ये तो संस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी को पैसा दे या ना दे। कोई किसी का कर्ज तो नहीं चंज रहा संस्था के ऊपर। किसी गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है तो उसकी शादी के लिए संस्था 2 लाख रुपए देती है, तो ये तो संस्था के ऊपर डिपेंड करता है वो दे या ना दे। किसी गरीब आदमी का या कोई अपनी लड़की की शादी कर रहा है तो उसकी कोई दादागिरी है कि साहब आपकी संस्था मुझे 2 लाख रुपए देगी तभी मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा? मत कर, हमारे पास पैसा है तो हम दे रहे हैं, नहीं है मना कर देंगे। एक व्यक्ति बोला आप संस्था के मेंबर जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं उनका इलाज कराने में 80 लाख रुपए तक संस्था खर्च करती है। जब संस्था के पास पैसा होगा और मेंबर ने अच्छा काम किया होगा तो उसके इलाज में संस्था 80 लाख या 80 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। अब जब संस्था के पास पैसा नहीं है या फिर कोई ऐसा मेंबर है जिसने संस्था के साथ काम नहीं किया, संस्था को कभी उसने 80 रुपए का फायदा नहीं कराया, तो संस्था उसके ऊपर पैसे क्यों खर्च करेगी? तो ये तो संस्था की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो किसी के लिए काम करे या ना करे। दूसरी चीज, एक व्यक्ति बोला कि जो लोग संस्था से जुड़े हुए हैं वो संस्था के साथ काम करते हैं, अगर उनकी सैलरी संस्था ने नहीं दी तो? तो पहली बात मैं बता दूं, ये एक समाज सेवी संस्था है। इस चीज को किसी से पूछ लेना कि समाज सेवी संस्था किसे कहते हैं। और समाज सेवी संस्था से जुड़ने वाले लोग संस्था के लिए फ्री में काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति संस्था के लिए फ्री में काम करता है। कोई संस्था उनकी फिक्स सैलरी नहीं रखती है कि आपने आज संस्था में किसी बच्चे को 1 गिलास पानी पिला दिया और संस्था ने आपसे कहा हो कि भाई मैं 1 गिलास पानी पिलाने का आपको 1 लाख रुपए दूंगी, अगर नहीं दूं तो आप मेरा जो चाहे कर लेना। यहाँ पर संस्था अपने मेंबर्स को पैसा देती है, लेकिन वो प्रोत्साहन राशि देती है। जो पैसा आपको मिलता है काम करने के बदले, वो प्रोत्साहन राशि मिलती है, न कि आपके काम के द्वारा किए गए काम का पैसा। हम प्रोत्साहन राशि इसीलिए देते हैं जिससे आप ज़्यादा काम करो, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो आप ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन इस बात का कोई संस्था के ऊपर बर्डन नहीं है
कि आप कल की डेट में आके संस्था के पास ये क्लेम कर पाओ कि मैंने साहब इस संस्था की सहायता की थी, मैंने इस संस्था के बच्चों को टॉफी बांटी थी, मैंने इस संस्था के गरीब लोगों को कंबल बांटे थे और मैंने जो मजदूरी की उसका मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो ये एक समाज सेवी संस्था है और जो लोग भी इसके साथ जुड़ते हैं वो समाज सेवा करने के लिए जुड़ते हैं, न कि कमाई करने के लिए। कमाई तो उनकी इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो संस्था के प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और उससे अपना टैलेंट दिखाते हैं और अपने टैलेंट से पैसा कमाते हैं। संस्था किसी को सैलरी नहीं देती जो किसी की सैलरी लेके भाग जाएगी। तो यहाँ पर ये डाउट एकदम आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कुल मिला के बात करूँ, अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि लोग संस्था में डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, तो जो कोई भी चंदा देता है वो अपनी इच्छा से देता है। संस्था उनसे ये नहीं कहती कि मुझे तुम 5,000 रुपये चंदा दो। अगर आपने चंदा दिया किस लिए दिया है, कोई देता है गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए, कोई गरीब बच्चों के कपड़े देने के लिए, कोई गरीबों में कंबल बांटने के लिए चंदा देता है, तो कहीं कोई पानी का प्याऊ लगाने के लिए चंदा देता है। आपने जिस काम के लिए चंदा दिया संस्था ने वो काम कर दिया, कहानी खत्म हुई। कोई व्यक्ति संस्था की मेंबरशिप लेता है, आपने मेंबरशिप के लिए संस्था को 1,000 रुपये दिए, संस्था ने आपको मेंबरशिप दे दी, कहानी खत्म हुई। बहुत से लोग हमारे साथ काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने में आपका फॉर्म भरने का खर्चा 800 रुपये लगता है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके 800 रुपये खत्म हो गए, आपका किसके ऊपर कोई कर्ज थोड़ी है जो आपको वापस मिलेगा। तो इस संस्था के भागने का कोई भी रीजन नहीं है और दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस संस्था के ऊपर किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर सकता, किसी भी तरीके का। आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी मेरे पास मिलने आ जाएं, इस संस्था को विजिट करने आ जाएं, तो मैं कम से कम उनसे 50-60 लाख रुपए का चेक तो लूंगा ही लूंगा, उससे कम का तो लूंगा नहीं। तो क्या मोदी जी दोबारा से वो 50 लाख रुपए मेरे से लेने आएंगे? कोई भी बड़ा नेता आता है, कोई पैसे वाला आता है, मैं हर किसी से संस्था में डोनेशन दिलवाता हूँ। जैसा व्यक्ति मुझे मिलता है कि ये 5,000 दे देगा, 10,000 दे देगा, 2,000 दे देगा, बस मुझे उससे यही कहना है कि साहब ये हमारी संस्था है, गरीब लोगों के लिए काम करती है, आप अपनी इच्छा से इसमें जो दान देना चाहें वो दे सकते हैं। अब ये तो उस आदमी की इच्छा पर डिपेंड करता है ना, वो कितने रुपए संस्था को दान देता है, 5,000 देता है, 10,000 देता है। बहुत से लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो 5,000 रुपए महीने देते हैं, बहुत से लोग 500 रुपये महीने देते हैं। कुछ लोगों की जेब में जितने पैसे होते हैं वो दान दे जाते हैं, कुछ लोग अपनी जमीन तक संस्था के नाम कर देते हैं। तो ये तो हर व्यक्ति की अपनी भावना है, जो जैसा करना चाहे। अब लेकिन मेरा जो बताने का तरीका है उन लोगों के लिए डाउट क्लियर करना है जो लोग संस्था के साथ काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप अपने घर पर रहो, काम करो और पैसे कमाओ। ये समाज सेवी संस्था है, ये मंदिर की तरह है। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को दान दक्षिणा देते हैं, तो क्या कभी भगवान से वो दान दक्षिणा वापस लेके आते हैं? नहीं। ये समाज सेवी संस्था भी ऐसे ही होती है, इनका काम है समाज की सेवा करना और हम यही सेवा करते हैं। हम चाहते हैं कि घर घर में हमारे संस्था के मेंबर हों, घर घर में हमारे संस्था के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके लोग पैसे कमाएं, दूसरे लोगों के नीचे काम करना कम करें जिससे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बने, आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन में कोई ऐसा मुकाम हासिल करें कि जिससे उनके आसपास लोगों में उनका नाम हो, पहचान हो, वो सीना तान के बोल सकें कि मैंने इस संस्था का सहयोग पाकर ये उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर मान के चलो मैं इस संस्था से नहीं जुड़ा होता तो आज मैं भी आपकी तरह कहीं 10-15,000-20,000 रुपये की नौकरी कर रहा होता, लेकिन जब से मैं इस संस्था के साथ काम करता हूँ अपने आनंद से अपने घर पर रहता हूँ और इतना पैसा मिलता है कि जितना मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मेरे पूरे खानदान में 50-60 लोग हैं और सभी काम करते हैं, उन सब की सैलरी इतनी नहीं है जितना मैं अकेला ये वीडियो बना बना के कमा लेता हूँ। हम वीडियो बना के डालते हैं, आप हमारी संस्था के साथ जुड़ो या ना जुड़ो, आपने हमारी वीडियो देख ली, आपने तो हमारे लिए काम कर दिया। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता तो ये वीडियो देखने का पैसा भी न मिलता आपको। जी हाँ, तो जिन लोगों को हर महीने पैसा मिलता है वो उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इस चैनल के साथ कर रखा है और वो रेगुलर इस चैनल की वीडियो देखते हैं, अपनी खुद की वीडियो बनाकर इस चैनल को भेजते हैं, लोगों में संस्था का प्रचार करते हैं, चैनल का प्रचार करते हैं, इसी बात का उन्हें 3-4 हज़ार रुपये रोज मिल जाता है।
और इतना काम आपको अपने मोबाइल से ही करना है, कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक दो घंटे तीन घंटे रोज आप मोबाइल तो चलाते ही होंगे, उसी मोबाइल से आप संस्था के बारे में जानकारी ले लो, संस्था के बारे में पढ़ लो, संस्था के बारे में दूसरे लोगों को बता दो, बस इसी का तो पैसा मिलता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको splcash.com वेबसाइट पर जाना होगा, और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए इस चैनल की एक एक करके वीडियो देखनी होंगी। रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसे क्लिक करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने में आपका 800 रुपये खर्च होगा। जैसे आप किसी भी सरकारी प्राइवेट नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें फॉर्म भरने का ये खर्चा है, आप किसी को कोई कर्ज नहीं दे रहे हो और ना ही कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन संस्था क्या कहती है, जो आपने 800 रुपये फॉर्म भरने में खर्च किया है, अगर आप हमारी संस्था के साथ काम करते हैं तो ये 800 रुपये भी आपके SPL कैश वॉलेट में संस्था वापस कर देती है। तो इस तरीके से आपका एक भी पैसा यहाँ खर्च नहीं होता है और आप जीवन भर यहाँ से पैसा कमाते ही कमाते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ न कर सको तो एक बार इस समाज सेवी संस्था से जुड़ के थोड़ी बहुत समाज सेवा करके देखिए। अगर आपको जीवन भर मेवा खाने ना मिले, यानी जीवन भर इस संस्था से फ़ायदा ना हो, तब आप मेरे को बोल सकते हैं। इसी के साथ अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।